तो दरबार हॉल में समारोह खत्म हो चुका है। 28 सांसदों ने लिया राज्य मंत्री पद की शपथ। मोदी 2.0 का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ है। कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें कई मंत्रियों को प्रमोशन मिला है। मोदी मंत्रिमंडल में 15 नए कैबिनेट मंत्री बने हैं, जिनमें 7 मंत्रियों का दर्जा बढ़ा है। कैबिनेट मंत्री बने हैं जिसमें महत्वपूर्ण नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, जी किशन रेड्डी, किरण रिजिजू का, जो युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि माने जाते हैं। मोदी 2.0 कैबिनेट का ये विस्तार बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी सरकार ने अपनी छवि को ओवरहॉल करने का एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। विकास चंद्रा हमारे साथ हैं। विकास चंद्रा के पास चलते हैं। विकास, परफॉर्मेंस और पैरिश, या तो आप परफॉर्म करो या फिर मोदी टीम मोदी में नहीं रह पाओगे, यही संदेश है इस कैबिनेट विस्तार का। जी दीपक सर, बिल्कुल यही संदेश है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप टीम में शामिल नहीं रहेंगे, और यही वजह है कि लगातार मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा होती आ रही थी। और इधर पिछले 3 महीने से जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक लगातार मोदी सभी मंत्रालयों के कामों की समीक्षा कर रहे थे, और जब कोरोना की दूसरी लहर आई और उसमें जब काम करने की बारी आई थी तब वो लगातार मंत्रियों के संपर्क में थे और उन्हें संदेश भी दे रहे थे कि आप अपने आप को परफॉर्म करिए, नहीं तो जब मुझे निर्णय लेने का वक्त आएगा तो मैं बहुत ही कठोर निर्णय लूँगा, ये बात उन्होंने साफ कर दिया था। और आज जब नाम सामने आए, वो जो शपथ ग्रहण जो हुआ है उसके बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो गई कि जो उन्होंने मंत्रियों को संदेश दिया था कि वो कठोर निर्णय लेंगे, जो काम करेगा वही साथ चल सकेगा, जो उन्होंने संदेश दिया था उसको आज इन्होंने चरितार्थ कर दिया। अब जो नए मंत्री बने हैं उनके लिए भी ये संदेश है कि जब रविशंकर प्रसाद जैसा मंत्री, अगर प्रकाश जावड़ेकर जैसा, हर्षवर्धन जैसा, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे लोगों को हटाया जा सकता है, तो अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे, वो कसौटी पे खारा नहीं उतरेंगे, तो वो भी बहुत दिनों तक कंटिन्यू नहीं रह पाएंगे। और मंत्री सिर्फ मंत्री कहलाने के लिए वो नहीं बने हैं, काम करने के लिए बने हैं, वो उनको प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही एहसास करा दिया है। बिल्कुल, पहले एहसास करा दिया। और राहुल सर के पास चलते हैं। राहुल जी मेरे पूर्व संपादक मेरे साथ बने हुए हैं। राहुल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, सहयोगी दलों को अगर देखा जाए तो जेडीयू से आपने देखा सिर्फ एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री आरसीपी सिंह ने शपथ ली, जो 3 से 4 जेडीयू मंत्री पद मांग रहा था वो नहीं दिया गया। अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई, यानी अंततः अगर किसी एक व्यक्ति की मर्जी चली है इस कैबिनेट में तो मोदी जी ने वही किया है जो वो चाहते थे। बिल्कुल, इसका मतलब साफ है कि वो जेडीयू के दबाव में नहीं आए, और ये सारा दबाव आरसीपी सिंह स्वयं बना रहे थे, सारे निगोशिएशन वही कर रहे थे, तो अंततः मोदी ने वही किया जो उनके लिए ठीक लगा अपने लिए। और ये बात ध्यान रखनी ये जरूरी है कि वहाँ पर सीनियर पार्टनर बिहार में तो बीजेपी ही है, तो बीजेपी और मोदी की कृपा से वहाँ पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार, और जेडीयू की सरकार है, जेडीयू भारत सरकार भी है, तो इस सच्चाई को सामने उन्होंने रखा। और उनकी जो प्रातिनिधिक संख्या की मांग थी 4 लोगों की, वो नहीं मानी। लेकिन ये देखिए, बड़ी संख्या में उन्होंने जो नए चेहरों को रखा है दीपक, तो मुझे लगता है जो आपने अभी इससे पहले बात कही कि परफॉर्म और पेरिश, ये वरिष्ठ मंत्रियों के लिए जो पहले से बने हुए हैं उनके लिए संदेश जरूर है, लेकिन बहुत सारे अप्रत्याशित रूप से नए युवा, बिल्कुल जो एकदम रॉ जिन्हें कहते हैं, हरे हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने बड़ी संख्या में लिया है। और वो बहुत एक व्यापक, उन्होंने कहे कि बहुत बड़े इलाके में जाल फेंका है उन्होंने, तो उसमें प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग भी हैं, उसमें बिल्कुल संघर्ष करके जमीन से ऊपर आगे बढ़ने वाले इस तरह के सांसद भी हैं, कई ऐसे सांसद हैं अभी, और हम लोग देखेंगे जो पहली बार सांसद बने हैं। पहली बार मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में ऐसे युवा सांसदों को मौका दिया गया है, मंत्री बनाया गया है, जो पहली बार संसद में आए हैं, तो यानी उन्होंने दांव खेला है इन नए युवा चेहरों पर बहुत बड़ा, और उसके साथ ही तो वो एक बिल्कुल नया रूप और नया चेहरा शायद देना चाहते हैं अपने मंत्रिमंडल को, और एक नए जोश खरोश के साथ, एक नई मतलब ऊर्जा के साथ वो आना चाहते हैं जनता के सामने। और अब देखना ये होगा कि ये मंत्री करते क्या हैं, इनकी कार्यकुशलता कितनी सिद्ध होती है और उसका असर कितना होता है, और वो जो अंतिम बात है उनकी कि मिनिमम गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट मिनिमम तो नहीं रही कम से कम मंत्रियों की संख्या की दृष्टि से, लेकिन मैक्सिमम गवर्नेंस होती है कि नहीं, मैक्सिमम भी और अच्छी भी,
सो गुड गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये दो कसौटियां हैं जिन पर अब ये मंत्रिमंडल तोला जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सुश्री प्रतिभा भौमिक जो सिर्फ एक किसान नेता है, मणि त्रिपुरा से आती हैं, जॉन बराला जो एक टी गार्डन वर्कर रहे हैं 14 साल की उम्र से, उससे लेकर ऐसे लोग जो लॉ के अंदर पीएचडी करे हुए हैं, जो कई सारे डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स को मंत्रालय में लाया गया है। क्या इसको इमेज मेकओवर कहा जाए एनके सिंह साहब, कि दूसरी लहर से एक शॉक ट्रीटमेंट देकर मोदी साहब निकालना चाहते हैं? देखिए, इन लोगों ने काम नहीं किया, मैंने इनको निकाला, अब नई टीम के साथ मैं आगे चलूंगा। बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि आप भी जानते हैं इसको, मोदी जी एक डेयरिंग चरित्र के हैं, चैलेंजेस स्वीकार करते हैं, चैलेंजेस थ्रो करते हैं, और ये कोरोना के बाद का है, ये पहला जबरदस्त चुनौती स्वीकार की है और नए चेहरों को लाके, जिसमें कि प्रोफेशनल्स भी हैं, जो सोशल सेजमेंट्स हैं उनको भी लाया है, रिप्रेजेंटेशन दिया है। मुझे लगता है कि बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, और इतने बड़े चैलेंजिंग टास्क, मुझे के कामराज प्लान की याद आती है जो नेहरू ने शुरू किया था, उसमें पूरा बदल दिया था, जितने भी उनके तथाकथित बूढ़े लोग थे, डेडवुड्स थे, उनको निकाल के एक बार शुरू किया था। मेरे ख्याल से ये गजब का चैलेंज है। और उसमें मैं एक चीज आपके पाठकों को आपके माध्यम से बता दूं, आप राष्ट्रपति को जरा गौर कीजिएगा, जब पूरा शपथ 43 लोगों का शपथ, और कितना कंसंट्रेशन था कि एक जगह एक व्यक्ति ने शपथ लेते में एक शब्द गलत पढ़ा और राष्ट्रपति ने उसी समय उसको टोक दिया और करेक्ट किया। तो ये एक बातचीत के सिलसिले में एक छोटा सा मुद्दा है, राष्ट्रपति लगातार एक एक शब्द, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने गल्ती से उसको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ दिया था, तो उसको करेक्ट किया राष्ट्रपति ने। और मुझे याद है जब बिहार में रामनाथ कोविंद जी महामहिम पेशे से वकील हैं, वकील हैं, बिल्कुल सही है, और उन्होंने देखा और एकदम से करेक्ट किया। और ये एक बार पहले भी कर चुके हैं, एक किसी व्यक्ति ने गलत शब्द का इस्तेमाल हिंदी में किया था, तो उन्होंने पूरा का पूरा शपथ फिर से पढ़वाया। खैर, ये तो एक पक्ष है। दीपक जी, मेरे ख्याल से अगले 45 मिनट में आपके पास लिस्ट आ जाएगी पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की, जो राष्ट्रपति भवन से रिलीज होगी। असली तब असेसमेंट होगा कि मोदी जी का विजन है क्या, अगले 3 साल में गवर्नेंस को कहां ले जाएंगे और किस तरह का मॉडल दे रहे हैं, वो तब पता लगेगा जब हेल्थ, एजुकेशन, जो डिलीवरी के पॉइंट्स है जिसपे जनता सीधे मुतासिर होती है, उन पॉइंट्स पे किसको रखा है और क्या मकसद था उसका। क्या कोई यंग आदमी आ रहा है एजुकेशन में, क्या कोई ऐसा एजुकेशनिस्ट आ रहा है जो कि काफी अपना जाना जाता है, और क्या वो डिलीवर कर पाएगा, ये चैलेंज बहुत बड़ा है। और खास करके कोरोना काल में जब तीसरी लहर दरवाजे पे देश के खड़ी हो, उस समय डिलीवरी कैसे करते हैं, ये जो आदमी होगा इस समय चैलेंज उसके लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 लोगों को निकाला जा चुका है जो बड़े कद्दावर नेता थे, और परफॉर्मेंस में निकाला गया है क्योंकि परफॉर्मेंस, तो अब जो आएगा उसके लिए दबाव बहुत ज्यादा होगा कि परफॉर्म करो, और परफॉर्म करने में कहीं ओवर डू ना कर जाए, पहला तो गलती ये कर सकता है, या घबरा के कम ना कर जाए। तो मुझे लगता है कि एक चैलेंजिंग टास्क है, और मोदी जी को लगातार उनको गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई नया है हेल्थ सेक्टर में आप ला रहे हैं, डिलीवरी जबरदस्त देनी होगी, 134 करोड़ को लोग को टीका लगना है, और अब यह सुनने में आ रहा है कि जरूरत पड़ी तो डेल्टा प्लस के लिए तीसरा टीका भी लगवाना पड़ सकता है, क्योंकि जो वो एंटीबॉडीज डेवलप कर रही है वो उतनी नहीं है कि डेल्टा प्लस को काउंटर कर पाए, तो तीसरा टीका भी लगवाना। इतने बड़े मैनेजमेंट को देख के मुझे लगता है कि मोदी जी ने गजब की चुनौती ली है, और मैं समझता हूं कि इतना डेयरिंग लीडर भारत को शायद पहले कभी नहीं मिला है, गजब का इस समय चुनौती ली है। देखना यह है कि इस धरातल पे परफॉर्म कैसे करते हैं इनके जो आज 43 लोग शपथ लिए हैं या जिनको प्रमोट किया गया है, कैसे परफॉर्म करते हैं, गजब का चैलेंजिंग टास्क है, उस समय जबकि कोरोना आपके दरवाजे पे डेल्टा प्लस खड़ा है, तीसरी लहर आने जा रही है। ठीक है, सीधे चलते हैं धीरेन्द्र पुंडीर के पास। धीरेन्द्र पुंडीर, जिन लोगों ने परफॉर्म किया उनको प्रमोट किया गया, किरण रिजिजू जी, किशन रेड्डी, साथ ही साथ अनुराग ठाकुर, ऐसे कई नाम है, हरदीप सिंह पुरी, आर के सिंह, ऐसे कई नाम है, लेकिन साथ ही साथ मोदी साहब ने पूरे घर के भी बदल डाले हैं। क्यों पूरे घर के बदल दिए उन्होंने, क्या ये इमेज मेकओवर है, और किस तरह का शॉक ट्रीटमेंट दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने आपकी नज़र में पूरे देश की जनता को? देखिए, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया मैंने हटा दिया उनको।
देखिए, इस पूरे बदलाव को अगर गौर से देखेंगे दीपक जी, तो ये एक ऐसी चुनौती है जो राजनीतिक फ्रंट पर भी लड़ी जा रही है, क्योंकि 2022 में आपको सेमीफाइनल लड़ना है जिससे आपको जीत की पिच तैयार करनी है 2024 के लिए, और इसके साथ साथ इसको कोरोना की तीसरी लहर से भी, संभावित लहर है जो आ सकती है, उससे भी जूझना है। यानी आपको एक सबसे पुरानी चीज़ है जिसमें राजनीति हमारे यहाँ करते रहे, यानी राजनीति में जीत के लिए जो नीति बनाई जाती है वही आपको 2022 के लिए तैयार करनी है। उत्तर प्रदेश की उस भूल भुलैया से निकालना है, उत्तराखंड की उन सारी चीज़ों के बीच से निकालना है, लेकिन ऐसे में आपको कोरोना के ऐसे खतरे से निपटना है जो 80 साल के लगभग आजादी के इस दौर में हिंदुस्तान की जनता जिससे कभी नहीं टकराई। इसीलिए अगर जिन हैवी वेट्स को हम जाते हुए देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं उससे जूझते में जो नाकामी वहां से आई है, क्योंकि दो तो सीधे आप रख सकते हैं, जिस तरह से हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिनको सीधे टकराना था, जिनको सीधे दिखना था, क्योंकि वो फ्यूचर जो देश का है उससे लगना था, और जो हम लोग जिंदा रहने वाले लोग, जिनकी आवाजें, जिन्होंने खूब अपने लोगों को आप जाते हुए देखा, उस वक्त बिल्कुल खामोश सी दिखती हुई स्वास्थ्य मंत्रालय, एकदम अलग खड़ा हुआ दिखता हुआ स्वास्थ्य मंत्रालय, उसको मोदी जी को ये यकीन दिलाना था उन तमाम लोगों को कि नहीं, जिन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया उनके साथ किसी तरह की मुरव्वत नहीं बरती जाएगी, किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। ये बात जरूर होती है कि सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि क्या इसमें जो लोग नए आए हैं ये चुनौती सामना करेंगे या नहीं, लेकिन आपको बदलाव करना होता है। अगर आपने देखा ऐसे वक्त में, जबकि फिर आपको एक अनजाने खतरे से टकराना है, जिसको मोदी जी बार बार कहते हैं बहुरूपिया जिसको कहते हैं, तो ऐसे बहुरूपिये से टकराने के लिए आपको टेक्नोसेवी, एडजस्टेबल विजनरी और ऐसे लोग चाहिए जिनके पास आउट द बॉक्स जाकर सोचने का मादा दिख रहा हो। इसीलिए अगर मैं दीपक जी, जब मेरी बात हो रही थी अधिकारियों से जिन्होंने इस पूरे मंत्रिमंडल के बदलाव को कार्य रूप दिया है, उन्होंने कहा कि ये 24 तारीख को, याद होगा आपको जो मीटिंग हुई थी, जो कश्मीर की मीटिंग, उससे दो दिन पहले से ये शुरू हो गया था मीटिंगों का सिलसिला, और उसमें पूरी चीज़ों को पॉइंट वाइज देखा गया था कि किस तरह से इस पूरे खतरों से निपटा गया, और इसके साथ साथ आने वाले खतरे और राजनीतिक जो चुनौती है उन दोनों से निपटने के लिए जिस तरह की तैयारी थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसको पूरी तरह से समझते हुए ये देश के सामने एक बार फिर से उन्होंने ये दिखाया है कि मैं 2022 से लेकर और कोरोना की चुनौती, उसके लिए आपके सामने ये टीम दे रहा हूं और अपने पूरे टीम के साथ आपके विश्वास के लिए फिर से आकर खड़ा होता हूं। ये जरूर है कि अभी हम सब ये जरूर देख रहे हैं कि इनमें से कितने लोग कामयाब होते हुए दिखेंगे, लेकिन आप देखेंगे कार्डियोलॉजिस्ट से लेकर, लॉ में पीएचडी से लेकर एक मजदूर तक, और एक त्रिपुरा के उस हिस्से से आने वाले, या फिर हम राजकुमार को देखें इंफाल में जो फर्स्ट टाइम एमपी हैं, उन तमाम चीजों को छांटने में मुझे लगता है कि बेहद होमवर्क किया गया होगा, क्योंकि इतने सारे वैरायटी के साथ चेहरे आना, और उत्तर प्रदेश के उन जिन चेहरों को हम सोच रहे थे उनसे उलट अलग आना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा होमवर्क है। और उसमें ये बात एनके सर की सही है कि इतना बड़ा एकदम चैलेंज लेना, इसको एक चैलेंज लेना कहते हैं, नहीं तो आप उन चेहरों को रहने देते जिन चेहरों को हम बड़ा मान चुके थे या लोग ये मान चुके थे वो हैवी वेट है, लेकिन मोदी जी ने उनका वेट ये बता दिया कि जनता की नज़र में जो नाकामयाबी हमको दिखती है, चूँकि सबसे पहले दीपक जी एडमिट करना होता है कि हम नाकामयाब हुए। अगर आप दो दो मंत्रियों को शिक्षा से और चिकित्सा से हटा रहे हैं, तो आपने ईमानदारी से यह एडमिट किया कि कहीं कुछ कमी थी उसको, और जब आप कमी स्वीकार करते हैं तो मुझे लगता है कि आप सही करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं, और ये देश को मोदी जी की तरफ से दिया गया ये संदेश है कि मैं वो तमाम कमियां दूर करना चाहता हूं जो आपको दिखाई दी। तो मुझे लगता है दीपक जी, मैं इस मंत्रिमंडल के इस बदलाव को, इतने बड़े बदलाव को इसी तरह देख रहा हूं। अच्छी बात कही आपने, और यही सवाल मैं राहुल सर से पूछूंगा। सर बताइए, क्या आपको लगता है मोदी साहब ने अपनी गलती स्वीकार ली कि हाँ सरकार में कोरोना की दूसरी लहर में गलती हुई थी और जो लोग जिम्मेदार थे मैंने उनको हटा दिया, क्या विपक्ष इसको मुद्दा नहीं बनाएगा? देखिए, विपक्ष तो मुद्दा बनाएगा ही, उसका काम ही मुद्दे बनाना है, लेकिन जहां तक मोदी जी का सवाल है, उन्होंने इन लोगों को हटा के निश्चय ही ये अपनी सरकार की अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है और ये गलती मानी है, तो ये इसको देखने की अलग अलग दृष्टियां हो सकती हैं। विपक्ष की दृष्टि बिल्कुल अलग होगी, वो सीधे सीधे उनके ऊपर हमला करेगी, हमें मालूम है विपक्ष उनके हमला करेगा, लेकिन लोग एक अलग निगाह से देखेंगे, क्योंकि मोदी जी की अपनी छवि अभी तक अप्रभावित है, उसमें थोड़ी गिरावट जरूर आई है लेकिन बहुत मामूली है वो,
और जो जिस जिस रफ्तार से या जितने बड़े पैमाने पर नाकामी हुई थी कोरोना के प्रबंधन में, उसको देखते हुए उनकी छवि आज भी इतनी मजबूत बनी हुई है, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है और बहुत विचित्र बात है। तो उस पर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और इस तरह इन बड़े मंत्रियों को हटाकर उन्होंने जो संदेश दिया है कि मैं अभी पूरी स्थिति के ऊपर यानी कब्जे में है, सब कुछ मेरे हाथ में, मैंने उस तरह से हार नहीं मानी है, चुनौती का पूरा एहसास हमको है और हम नई तैयारी के साथ, नई सेना के साथ फिर लोगों के सामने आ रहे हैं। और ये विश्वास इसमें अंतर्निहित है कि सारी जो समस्याएं देश के सामने अभी हैं उनका पूरी तरह से मुकाबला किया जाएगा। हालांकि अर्थ अब देखना यह है कि किसको क्या मिलता है, क्योंकि उससे तय होगा कि इस सरकार का आकार, रंग रूप और चरित्र क्या होगा। अभी हम केवल जो चेहरे आए हैं उनके आधार पर कह रहे हैं, निश्चय ही उन्होंने जोखिम उठाए हैं मोदी जी ने, उन्होंने बिल्कुल अपरीक्षित लोगों को लिया है, तो उनको जो विश्वास उन्होंने जताया है ये अब ये लोग जोखिम उठाया है, कितना इसका प्रतिसाद देते हैं ये देखना बाकी। जोखिम उठाया इनके सर सर, और मैं इतना मानता हूं कि मोदी साहब में जोखिम उठाने की, रिस्क लेने की बड़ी कैपेबिलिटी है। लगातार वो रिस्क लेते रहे हैं और विपक्ष उन पर सबसे बड़ा ये आरोप लगाता है कि वो आपदा को अवसर में बदल लेते हैं, और यही मोदी साहब की स्ट्रेंथ है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी छवि को ऊपर ले जाने के लिए वो किस किस तरह के स्टेप्स उठाते हैं। आज उन्होंने ये करके एक बार फिर दिखा दिया दैट ही इज इन कंप्लीट कंट्रोल एंड कमांड ऑफ द सिचुएशन। हाँ देखिए, कंप्लीट कमांड तो है ही है, ये मैसेज तो ऑलरेडी पहले से ही चला गया है, लेकिन आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि ये जोखिम उठाने की क्षमता अद्भुत क्षमता, स्टनिंग कैपेबिलिटी है, कई बार चौंका देती है। जब मोदी जी कोई डिसीजन लेते हैं और अचानक लगता है अरे ये क्या किया, और तब समझ में आता है कि नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ होमवर्क हो चुका है। तो लेकिन आज भी मुझे लग रहा है कि एक ऐसे समय में जबकि 138 करोड़ की पॉपुलेशन को डायरेक्ट डिलीवरी आपको करनी है स्वास्थ्य सर्विसेज की, और थर्ड वेव नजर आ रहा है कि एक महीने में आने जा रहा है, ऐसे में इतना बड़ा चैलेंज लेना, एक सोचिए हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में आप सोचिए, इस साल का जो बजट था करीब 2 लाख करोड़ का था, हालांकि उसमें कई कंपोनेंट मिले हुए थे, लेकिन बहुत अच्छा बजट नहीं है। हेल्थ सेक्टर में आपने बहुत अच्छा 70 साल से खर्च नहीं किया है, ऐसे में रिसोर्सेज आपके पास कम है, 138 करोड़ को प्रोटेक्ट करना है और एक ऐसे महामारी से करना है जो स्ट्रेन बदल रहा है, ऐसे में अगर आप एक नया आदमी लाते हैं तो अगले क्या 6 महीने में वो चीजों को समझ पाएगा या 4 महीने में समझ पाएगा, चैलेंज बहुत बड़ा है। लेकिन अगर इसमें सक्सेसफुल हो गए तो मैं ये भी मानता हूं कि अनपैरेलल लीडर होंगे, अगर इस क्राइसिस से निकाल लिया देश को तो अनपैरेलल लीडर होंगे वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये गजब का डेयरिंग स्टेप है जब उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी तो आधे घंटे 1 घंटे में आ जाएगा पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन में तो फिर भी स्टेट का रोल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कोरोना के हेल्थ में जिस तरह का रिलीफ चाहिए उसमें आपको सेंटर का रोल बहुत बड़ा होता है तमाम डिसीजंस पे, इसमें डिसास्टर मैनेजमेंट के जो पावर्स है उसके तहत या डिलीवरी में भी। आप वैक्सीन ले लें, वैक्सीन की डिलीवरी सेंट्रलाइज्ड है, उसको आपको पहुंचाना है, और 100 इस समय जो स्थिति है करीब 34 करोड़ लोगों को लगा है और बाकी को लगना है, उसमें भी एक टीका ज्यादा लगा है, दोनों टीके नहीं लगे, तो जो डिलीवरी का मैकेनिज्म है उसके लिए कोई बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, लेकिन ये आपने जो चैलेंज लिया है, या तो मुझे ये लग रहा है कि डायरेक्ट आप मोदी जी इसको कंट्रोल करेंगे, जो भी व्यक्ति रहेगा वो डे टू डे रिपोर्ट करेगा और इसकी कंट्रोलिंग सीधे मोदी जी के हाथ में रहेगी, कम से कम हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके तो नहीं हो सकता क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट गवर्नमेंट्स कई कांग्रेस की है, दूसरे पार्टीज की है, लेकिन हेल्थ के सेक्टर में मुझे अभी भी लग रहा है कि इतनी बड़ी चुनौती कि आपने हेल्थ मिनिस्टर को हटा दिया, उसके एमओएस को हटा दिया, तो शायद ये गवर्नेंस पूरा ये जो वो है हेल्थ सेक्टर है ये मोदी जी डायरेक्ट मॉनिटर करेंगे, जो भी मिनिस्टर बनेगा वो रोज के रोज रिपोर्ट करेगा और वो गाइड करेंगे, क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा है और अगर इसमें फेल होते हैं आप तो शायद मोदी जी के मुझे लिए मुझे तो सर यहाँ तक जानकारी है कि डे टू डे रिपोर्टिंग के लिए
डे टू डे रिपोर्टिंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है कैबिनेट मिनिस्टर का प्रधानमंत्री मोदी के मोबाइल पर, और बकायदा ऐप के साथ वो उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ मुझे तो यहाँ तक जानकारी, और मुझे तो ये भी बताया गया है कि मंत्री परिषद की हाल में ही जो बैठकें हुई हैं, प्रधानमंत्री ने इन मंत्रियों को चेताया था और यहाँ तक कहा था कि भाई ऐसे नहीं चल पाएगा। क्या विकास इस तरह की कोई जानकारी आपके पास है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कुछ मंत्रियों को कह दिया था कि मैं आपके इस काम से संतुष्ट नहीं हूँ? चलता रहा या ऐसे ही अगर परफॉर्मेंस रहा तो जब मुझे निर्णय लेने का मौका आएगा तो बहुत कठोर निर्णय लूंगा और बहुत दर्द होगा, फिर उसके लिए आप सब लोग तैयार रहिए। और लगातार इधर बहुत ही गहनता से प्रधानमंत्री मोदी सभी मंत्रालयों के और सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। जब यह कश्मीर वाली बैठक थी उसके पहले 5 दौर की बैठक जेपी नड्डा लगातार प्रधानमंत्री आवास पर जा रहे थे, और तब हम लोगों को ये लग रहा था कि शायद 1-2 दिन जब हो गए कि ये पार्टी के किसी काम से या जो कोरोना महामारी को लेकर के जो बीजेपी अभियान पूरे देश में चला रही है उसको लेकर के शायद कोई चर्चा हो रही हो, लेकिन लगातार वीएल संतोष और जेपी नड्डा और अलग अलग मंत्री वहां जाते रहे और 5 दिनों तक पूरी रिपोर्ट पार्टी लेवल से भी प्रधानमंत्री ने मंगा ली थी कि पार्टी किस मंत्री के बारे में क्या सोचता है, पार्टी की तरफ से क्या कहे जा रहे हैं। तो पार्टी की रुख को भी इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ले लिया था, ऐसा नहीं कि अपने तरफ से सिर्फ निर्णय ने लिया हो। तो बिल्कुल ठोक बजा करके और सभी तरह से रिपोर्ट के आने के बाद समीक्षा करने के बाद ये कदम उठाए गए हैं, तो साफ खुले तौर पर एक तरीके से आने वालों के लिए संदेश है और जाने वालों के लिए चेतावनी है कि अगर वो काम नहीं किए तो चले गए, आने वाले के लिए कि करना पड़ेगा। और जो लोग अभी गए हैं हालांकि संगठन में उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, पार्टी में वो रख करके काम करेंगे, आगे भी हो सकता है कि उन्हें जिम्मेदारी तय की जाए, लेकिन एक लकीर प्रधानमंत्री मोदी ने खींच दी है, वो है काम की लकीर, कि अगर उनकी कसौटी पर आप खरा नहीं उतरेंगे तो उनकी टीम में बहुत दिनों तक आप नहीं चल पाएंगे। और मुझे नहीं लगता एनके सिंह सर की जो कैबिनेट मंत्रियों के तौर पर प्रमोट किया गया है, चाहे वो आर के सिंह हो चाहे वो हरदीप सिंह पुरी हो, उनके डिपार्टमेंट को बदला जाएगा। इनफैक्ट फॉर दैट रीजन मनसुख मांडविया हो, जिन्होंने केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी काम किया था कोरोना की दूसरी लहर के बीच में, तो मैंने देखा है पिछली सरकार के इस सरकार में भी एक कंटिन्यूटी मोदी जी ने बनाकर रखी, चाहे हरदीप सिंह पुरी का शहरी विकास मंत्रालय हो या फिर बाकी अन्य मंत्रालय हो, और उसी कंटिन्यूटी को इस दूसरे रिशफल में वो बना के रखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर क्या होगा, आपको क्या लगता है हेल्थ और एजुकेशन में किस पर भरोसा किया जाएगा? और यही सवाल फिर आपसे आप धीरेन्द्र, पता नहीं मैं तब से सोच रहा हूं, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि दीपक जी इसमें हेल्थ किसको देंगे, क्योंकि पूरा हमने स्पेक्ट्रम देखा, नाम का जो स्पेक्ट्रम था अगर आप उसको गौर से देखिए तो मुझे नहीं लग रहा कि इतने बड़े चैलेंजिंग टास्क को ये किसको दिया जाएगा। जैसे कि आपने कैबिनेट जो प्रमोशंस किए गए हैं वो बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रमोशन में और कुछ नहीं है, जिनके पास मान लीजिए एक MOS है, इंडिपेंडेंट चार्ज है, उनको कैबिनेट रैंक दे दिया गया है, तो वो टेक्निकलिटी है, उसमें कोई फंक्शनल कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, कोई फंक्शनल चेंजेस नहीं होंगे। अगर आरके सिंह को ऊर्जा दिया है तो वो ऊर्जा में काम करेंगे, अपना कैबिनेट के रूप में भी काम करेंगे, MOS के रूप में भी इंडिपेंडेंट चार्ज में काम कर रहे थे, लेकिन हेल्थ सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हेल्थ, क्योंकि आपने वित्त तो दे दिया है, वित्त ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, अपना जो जो चाहते वैसे होता है, लेकिन हेल्थ में जो चैलेंज है उसका नेचर डिफरेंट है, उसमें आपको डिलीवरी भी करनी है, ग्लोबल रूप से लगातार टच में रहना है कि नए इन्वेंशंस क्या हो रहे हैं, नई दवाएं क्या आ रही हैं, और उसको इंडिया में कैसे एडमिनिस्टर करना है, और वो भी पॉवर्टी एक ऐसी सोसाइटी जो कि काफी गरीब है, तो उनके लिए डिलीवरी स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है। तो जो चैलेंज है कोरोना को लेके हेल्थ में वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें मुझे लगता है कि हम लोग के सारी जो इस समय जर्नलिस्टिक एक्यूमेन है, ताकत है, वो हम लोग इस पे लगाओ। मैं आप समझता हूं कि आप ही हम लोग भरोसा ज्यादा कर सकते हैं कि आप हमें जल्दी से जल्दी बताएं कि हेल्थ में कौन आ रहा है और उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, पहली क्या रही है और क्या वजह है कि उसको लाया जा रहा है, क्योंकि हेल्थ सबसे बड़ा चैलेंज है, देखना है कि मोदी जी वो कैसे कर पाते हैं।
इस पर निसंदेह आप हम बात करेंगे, लेकिन जो सबसे ट्रस्टेड लोग आए हैं कैबिनेट में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की टीम के, उसमें नंबर वन पे भूपेंद्र यादव आते हैं, जिनकी कैपेबिलिटी से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बहुत प्रभावित रहते हैं, तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी ये मैं सोच सकता हूँ। लेकिन क्या हेल्थ मिलेगा, क्या एजुकेशन मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।